फिरोजाबाद सदर विधायक मनीष असीजा ने जनता से की अपील, कहा अपने नजदीक इस जन सुविधा केंद्र में 16 वर्ष से ज्यादा 60 साल से कम उम्र की महिला एवं पुरुष जो कैसा भी छोटा बड़ा काम करते हैं वह अपनी फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक ले जाकर ई श्रम कार्ड बनवाएं। आने वाले 2 महीने के अंदर इन सभी के खातों में 2,000 रुपए योगी सरकार के द्वारा सीधे सीधे डलवाए जाएंगे। योगी सरकार की प्रदेश वासियों के लिए लोक कल्याणकारी योजना का लाभ जरूर उठाए। मैं एक बात का और लोभ स्मरण नहीं कर रहा हूं कि 31 दिसंबर तक 16 साल से ऊपर 60 साल से नीचे, 31 दिसंबर से पहले 16 साल से ऊपर 60 साल से नीचे, बेटा हो, बेटी हो, पुरुष हो, महिला हो, एक आधार कार्ड, एक बैंक पासबुक, दो फोटो, एक आधार कार्ड, एक बैंक पासबुक, दो फोटो, किसी भी जन सुविधा केंद्र से, CSC से, कॉमन फैसिलिटी सेंटर से ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन करा दें। इसका 20 या 30 रुपये खर्च होगा और 2,000 रुपया इसमें 100% मिलेगा। एक घर में मान लीजिए 4 सदस्य हैं जो 16 से ऊपर हैं, 60 से कम हैं, चारों कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा माननीय सम्माननीय पत्रकार बंधु भी कर सकते हैं, बस दो ही लोग नहीं कर सकते, एक जो इनकम टैक्स पेयर हैं, दो जिनके ESI में रजिस्ट्रेशन है। तो ये इस कार्ड से 5 लाख रुपए की बीमारी भी कवर है, दुर्घटना बीमा भी कवर है। हम अभी उधर जाते ही नहीं, हम तो ये कहते हैं कि जब 2,000 रुपये प्रति ई श्रम रजिस्ट्रेशन पे 100% हमें मिल रहा है तो आपके चैनल के माध्यम से जितना इसको प्रसारित प्रचारित कर लेंगे। तो यही अभी 4 दिन रह गए, 27, 28, 29, 30, 31, तो ये 2,000 रुपया आएगा, ये भी हमारे काम ही आएगा। मैं आप सब मीडिया के बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि लोक कल्याणकारी योजनाओं और समाज के बीच में अगर कोई सेतु है तो आप सब सम्मानीय मीडिया के बंधु हैं। अगर आप नहीं हो, आपके माध्यम से संचार की अभिव्यक्ति नहीं हो, तो शायद ये योजनाएं जन जन के पास घर घर में नहीं पहुंच पाए। इसलिए आप सबका भी आभार है, यहाँ उपस्थित बच्चे, उनके अभिभावक।